कैलाश विजयवर्गीय ने सोनिया गांधी को दिग्विजय सिंह की आंटी कहा। पूर्व सीएम बोले, रामलला के दर्शन कराइए, आपका बुढ़ापा सुधर जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना द खबरदार न्यूज से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इंदौर एक के भाजपा प्रत्याशी और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बहाने अब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर टिप्पणी की है। दोनों को राम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने की सलाह दी है। सोनिया गांधी को दिग्विजय सिंह की आंटी कहकर संबोधित किया। कांग्रेस को लेकर कहा कि कोई माई का लाल सनातन खत्म नहीं कर सकता है। यह बयान बुधवार रात का है, जब प्रचार के दौरान विजयवर्गीय साहू समाज के सम्मेलन में पहुंचे थे। उन्होंने मंच से कहा कि यदि मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो राम मंदिर भी नहीं बन पाता। हम बोलते थे कि रामलला, हम मंदिर वहीं बनवाएंगे। दिग्विजय सिंह बोलते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। लीजिए, अब तो तारीख बता दी कि जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा था कि राम काल्पनिक है, रामचरितमानस उपन्यास है। उन्होंने दिग्विजय सिंह और सोनिया गांधी से कहा कि दिग्विजय सिंह अपनी सोनिया आंटी को लेकर परिवार के साथ राम जी की शरण में चले जाना। जिंदगी में जो भी पाप किए हैं वह दयालु राम जी माफ कर देंगे। दिग्विजय सिंह, जवानी में आपने जो भी भूल की हो, गलती की हो, अपना बुढ़ापा सुधार लो। भाजपा ने राम मंदिर बना दिया है, भगवान राम के शरणागत हो जाना। आपका ये जीवन जैसे तैसे निकल गया, लेकिन राम के दर्शन करने से अगला जीवन धन्य हो जाएगा। मैंने 10 मिनट में आपकी धर्मशाला मंजूर की, मेरे काम से सब परिचित हैं। इसके अलावा विजयवर्गीय ने साहू समाज के लोगों से कहा कि मैंने महापौर रहते हुए 10 मिनट में साहू समाज की धर्मशाला मंजूर कर दी थी, मेरे काम से सब परिचित हैं। हमने सिर्फ विकास किया है। दिग्विजय सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब मैं महापौर था। उस समय शहर के विकास के लिए मैं उनसे लड़ जाता था। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।